क्या है ये नशा? क्या नशा करने वाला इंसान भी अच्छा हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहित धीमान, श्रद्धा आफ्ताब केस का सबसे बड़ा मुद्दा। नशे की ओवरडोज लेने वाले भी क्या अच्छे हो सकते हैं? दिन रात गांजा स्मैक पीने वालों की बात पर यकीन किया जा सकता है? क्या उन बेटियों को श्रद्धा के रूप में आकर उन नशेड़ियों की बात माननी चाहिए जिनकी अपनी सुबह नहीं, जिनका अपना कोई कल नहीं, जिनके अपने माँ बाप नहीं, जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने नशे से मतलब है, और कितनी ही ऐसी सारी श्रद्धा से मतलब है? क्या नशा करने वाला खुद को पहचानता है? क्या वो भी प्यार कर सकता है? क्या प्यार करने के जज्बात को, प्यार करने की फीलिंग को समझ सकता है, या सिर्फ खिलवाड़ ही कर सकता है? स्मैक गांजा पीने वालों पर अपना कितना कंट्रोल है? एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 4-5 सालों में गांजा जैसे पदार्थ फूंकने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या अब हिंदुस्तान की बेटियां अपने आप से बात नहीं करेंगी, अपने आप से यह बात नहीं पूछेंगी, मेरा लिविंग पार्टनर कैसा होना चाहिए जिसके साथ में मैं लिविंग में रहूंगी, वो नशेड़ी होना चाहिए या नशेड़ी नहीं होना चाहिए? ये बात हर एक हिंदुस्तान की बेटी को ध्यान में रखना चाहिए। जिस इंसान का खुद का स्वार्थ अच्छा नहीं है और वह स्वार्थी हो, वो लिविंग पार्टनरशिप में आपके साथ कैसे रह सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि वो आपका कितना इस्तेमाल कर सकता है? हर एक हिंदुस्तान की बेटी को समझना चाहिए, इस सोच पर विचार करना चाहिए। मैं एक बात उन नई पीढ़ी के युवाओं से भी पूछना चाहूँगा जो अभी अभी इस नशे के चुंगल में फंसे हैं या फंसने जा रहे हैं या फंस सकते हैं। नई पीढ़ी के कुछ युवा जो अभी अभी इस नशे के जंगल में फंसे हैं, भले ही उनको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हम आफ्ताब जैसी हरकत तो अपनी पूरी जिंदगी में क्या या 7 जन्मों में भी नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं उनको एक बात समझाना चाहूंगा। ये नशे की एक अपनी ही अलग डार्क दुनिया है। आपको अभी तो इसमें बड़ा कंफर्टेबल फील होगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आप इसके डार्कनेस में फंसते चले जाएंगे और शायद ही फिर कभी बाहर निकल पाएंगे, और शायद एक न एक दिन कानून को भी अपने हाथों में लोगे। अभी आपके पास अच्छा मौका है अपने आप से बात करने का, अपने आसपास के उन दोस्तों से बात करने का जो इस डार्कनेस से दूर हैं, इस नशे से दूर हैं, स्मैक से दूर हैं। वो लोग आपको एक सही राय देंगे, आपको सही दिशा देंगे, सही निर्देश देंगे। अगर देश के युवा इस बात से सहमत हैं, तो प्लीज अपनी राय, अपनी सहमति जरूर दें। इस वीडियो को उन व्यक्ति के पास तक पहुंचाइए जो इस डार्कनेस में फंसने वाले हैं या फंस सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।